गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा डे थ्री है और अभी यहाँ पे स्नो से पूरा कवर है सारा। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर रेडी होते हैं। रेडी होकर फिर हम अपने नेक्स्ट लोकेशन पे पहुँचते हैं, जो आज डे थ्री में हम आपको दिखाएंगे। अब हमारा माउंटेन एप्पल इन से चेकआउट करने का टाइम आ गया, तो हम चेकआउट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा बहुत सारा लगेज रखा हुआ है और यहाँ पे कार भी निकलने वाला है। यहाँ पे जो भैया रिसेप्शन है वो काफी ज्यादा कोऑपरेटिव है। अगर आप मनाली आए तो यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ का फूड भी बहुत अमेजिंग है, व्यू बहुत अच्छा है। तो अगर आप मैं अभी माउंटेन एप्पल इन से चेकआउट कर दी हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं कसौल। करेंगे हॉट एयर बलून, तो इसके लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। ये मनाली में हो रहा है, तो चलते हैं आगे करने। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था हॉट एयर बलून में, तो मैं इसको एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और मैं हॉट एयर बलून वाला राइड कर ली, बहुत ज्यादा मजा आया उसमें। और अभी हम लोग आए हैं ब्रिज के पास फोटोशूट के लिए। यहाँ पे भी रिवर का फ्लो बहुत ज्यादा हो गया है, बिकॉज क्योंकि जितने भी स्नो है ना वो सारे मेल्ट हो रहे हैं अभी, इस वजह से रिवर का फ्लो ज्यादा हो गया। फोटो शूट करवा कर अभी हम लोग यहाँ पे हाईवे पे चाचा ढाबा है, यहाँ पे खाना खाने आए हैं, तो फिर हम अभी लोग खाना खाते हैं। अभी हम लोग ऐसे धूप में बैठे हुए, ठंड में धूप बहुत अच्छा लगता है। और ये जो स्टोन है वो एक फ्रॉग की तरह लग रहा है बिल्कुल। मणिकरण गुरुद्वारा में आ गए और यहाँ पे हम लोग गुरुद्वारा के अंदर उसको रख करके फिर हम लोग अंदर दर्शन करते हैं। मैं मणिकरण गुरुद्वारा विजिट कर ली हूँ, मुझे यहाँ का वाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो अगर आप कभी भी मनाली या कसौल आते हैं तो मणिकरण गुरुद्वारा ज़रूर आए, यहाँ की वाइफ को एक्सपीरियंस करें। और यहाँ पे आप लंगर को भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा था। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप यहाँ पर हॉट वाटर का बाथ भी ले सकते हैं।
यहाँ की अगर हिस्ट्री की बात करें तो जो गुरु नानक जी थे वो ट्रैवलर थे। वो जब मणिकरण विलेज में आए तो उन्होंने लोकल से रॉ राइस को लिया था और इसी हॉट वाटर में उन्होंने उसे बेक किया था, और तब से ये हॉट वाटर स्प्रिंग यहाँ पे इमर्ज्ड है और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। मणिकरण से वापस हम लोग अपने होटल आ गए थे चलो कसौल, और यहाँ पे हम लोगों ने बॉनफायर करवाया। और उसके बाद यहाँ पे मेन पर्पज़ ये था यहाँ पे आने का कि एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से हो चुका था। और उसके बाद अभी हम लोग बहुत सारा फ़न करेंगे डिनर करने के बाद। यहाँ पे मैं लाइव म्यूजिक हो रहा है तो मैं यहाँ पे डांस भी करूँगी, बहुत ज़्यादा मस्ती करूँगी। यहाँ पे मैं डिनर कर रही थी तो डिनर करके हम लोग उसके बाद मिलते हैं। हमारे डिनर कंप्लीट हो जाती है, डिनर करने के बाद हम लोग डांस करने चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारा मस्ती किया और काफ़ी सारा डांस किया, तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे। आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, तो टिल देन लाइक से सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। टेक केयर, बाय बाय।